गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में जो है हमने एडिशन का चैप्टर शुरू किया था हमारा, और उसमें हमने जैसे कि ये देखिए लेटेस्ट ऐड ये जो चैप्टर था ये शुरू किया था, उसमें हमने ये सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, प्लस किसे कहते हैं, इक्वल टू किसे कहते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व द एडिशन और काउंट द पिक्चर एंड ऐड ये भी पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ ज़ीरो, मतलब इस लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं जो है एडिशन ऑफ ज़ीरो। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा आज का पार्ट एडिशन ऑफ ज़ीरो। मतलब अब तक जो है हमने क्या किया था, हमने नंबर में नंबर मिलाए थे, जैसे कि 1+1, 3+5, 4+3 है ना। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, उस नंबर में ज़ीरो मिलाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ज़ीरो ऐड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कुछ एग्जांपल एडिशन ऑफ ज़ीरो। ऐड राइट द नंबर्स एंड ड्रॉ प्रॉपर पिक्चर। क्या करना है आपको यहाँ पर, ऐड करना है, नंबर राइट करना है और पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमें डिशेज दिए गए हैं और उस डिश में क्या है, ये क्या है हमारे ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस है इसमें, 1, 2, कितने हैं, 2। प्लस इस प्लेट में कुछ है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर कितने ऑरेंजेस हुए, 0। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2 ऑरेंजेस है और आपको किसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास जो ऑरेंजेस है वो बढ़ेंगे क्या, नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे ना, या कम होंगे, नहीं होंगे। अगर आपके पास 2 ऑरेंजेस है, आपको किसी ने कुछ नहीं दिया और आपने भी किसी को कुछ भी नहीं दिया, 0 का मतलब क्या, वही होता है ना, कुछ भी नहीं। तो 2+2 इज इक्वल टू कितने होंगे, 2। देखिए बराबर यहाँ पर 2 ऑरेंजेस दिए गए हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कितने ऑरेंजेस है अभी, 1, 2, 3, कितने हैं, 3। प्लस यहाँ पर है, नहीं, तो 3+0 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर, बहुत ईजी है, बताइए, वेरी गुड, क्या आएगा हमारा आंसर, 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऑरेंजेस जो है वो राइट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर कितने ऑरेंजेस है, 1, प्लस यहाँ पर क्या है, 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ऑरेंजेस, 1 है ना। यहाँ पर कितने ऑरेंजेस दिए गए हमें, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं, 5। प्लस यहाँ पर है क्या, कुछ नहीं, मतलब 0, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 5 ऑरेंजेस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और आपको भी अपने CWESW में और साथ साथ अपने बुक में ऐसे ही राइट डाउन करना है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हमारे एडिशन के। 4+1, बताइए 4+1 कितने होते हैं। हम ये जो एग्जांपल है अपने उंगलियों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 उंगलियां है, प्लस 1, अगर हमने 1 ऐड किया तो कितने होंगे, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 5। 3+5, मतलब आपको क्या करना है, 3 के आगे 5 काउंट करना है, तो कीजिए 3 के आगे 5 उंगलियाँ काउंट कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3+5 इज इक्वल टू 8। वैसे ही 6+2 कितने आएंगे हमारे, 6+2 इज इक्वल टू 8। 7+0 यहाँ पर नीचे कुछ है, नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमें ऐड क्या करना है वो नहीं दिया गया, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए उसके आगे हमारे फिंगर काउंट करेंगे, 5 के आगे फिंगर काउंट कीजिए, जब तक 7 नहीं आते, 6, 7, मतलब कितने ऐड किए तो हमें 7 मिलेंगे, 2। वैसे ही 8 के आगे काउंट कीजिए, 1 है ना, 1 अगर हमने ऐड किया तो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 2+ कितने ऐड करने हैं हमें, 3, तभी जाके हमें क्या मिलेंगे, 5। और यहाँ पर 4+4 इज इक्वल टू 5, ईजी ना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, अपने CWESW और बुक में ये राइट डाउन करना है, लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है रीड एंड सॉल्व, मतलब हमें क्या करना है, रीड करना है और उसे सॉल्व करना है। साहिल हैज 6 चॉक, साहिल के पास कितने चौक है, 6। हमिद गेव हिम 3 मोर चौक, और हमिद ने क्या किया, उसे 3 चौक्स और दिए, मतलब साहिल के पास 6 चौक थे और हमिद ने उसे 3 चौक ज़्यादा दिए। हाउ मेनी चौक डज साहिल हैव, तो अब साहिल के पास कितने चौक हुए, देखिए हमने यहाँ पर लिखा 6+3, 6
किसके पास चौक है? साहिल चौक। हमिद ने किस हमिद गेव मतलब हमिद ने कितने दिए उसे? 3। तो टोटल चौक कितने हुए साहिल के पास? 6 + 3 = 9। वैसे ही केतन हैज़ 4 आलमंड। केतन के पास कितने आलमंड है? 4। एंड नेहा हैज़ 4 आलमंड और नेहा के पास कितने आलमंड है? 4। हाउ मेनी आलमंड डू दे टुगेदर हैव? तो दोनों को मिलाकर कितने आलमंड हो गए? देखिए हम ऐसे लिख लेंगे, केतन्स आलमंड कितने हैं? 4। नेहाज आलमंड कितने हैं? 4। टोटल आलमंड मतलब दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? 4 + 4 = बताइए जल्दी से, 8 है ना। तो दोनों को मिलाकर कितने आलमंड हुए? 8 आलमंड हुए। जोजेफ हैव 7 फ्लावर्स। जोजेफ के पास कितने फ्लावर है? 7। एंड एंजल हैज़ 2 फ्लावर। एंजल के पास कितने फ्लावर है? 2। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स विद देम। तो हमें क्या करना है, दोनों को मिलाकर कितने फ्लावर्स है वो हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए जोजेफ फ्लावर, कितने फ्लावर है जोजेफ के पास? 7। एंजल्स फ्लावर, एंजल के पास कितने फ्लावर है? 2। तो दोनों को मिलाकर कितने फ्लावर होते हैं? 9 होते हैं, है ना। जिया हैज़ 5 बीड्स। जिया के पास कितने बीड्स है? 5। परमित हैज़ 3 बीड। परमित के पास कितने बीड है? 3। हाउ मेनी बीड्स डू दे टुगेदर हैव? तो दोनों को मिलाकर कितने बीड्स हो गए? जियाज के पास कितने बीड है? 5। परमित के पास कितने हैं? 3। 5 + 3 = कितने होते हैं? 8, है ना। समझ में आया आपको यहाँ तक? आपको ये भी अपने CWHW और बुक में लिखने हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, कलर द पेटल्स हुज आंसर इज इक्वल टू नंबर इन द सर्कल। क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए हमें फ्लावर दिया गया है, फ्लावर के बीचों बीच एक नंबर है और उसके जो पेटल्स है उन पर एडिशन दी गई है। तो हमें क्या करना है उस मतलब ये देखिए अभी यहाँ पर 8 है ना, तो कितने प्लस कितने 8 होते हैं? 6 + 2 कितने होते हैं? 8। इसलिए क्या किया है यहाँ पर, कलर किया गया है। वैसे ही अभी यहाँ पर दूसरी तरफ कहाँ पर 8 हो रही है क्या, किसी नंबर की एडिशन 8 आ रही है क्या? अगर आ रही है तो आपको उसे कलर करना है। देखिए 3 + 4 कितने होते हैं? 7। 8 है क्या? नहीं, इसलिए हम इसे कलर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 4 + 4 कितने होते हैं? 8। इसलिए हम इसे कलर करेंगे क्या? यस वी कलर इट। 5 + 3 कितने होते हैं? 8। इसलिए हम इसे भी क्या करेंगे? कलर करेंगे। 4 + 2 कितने होते हैं? 6। इसलिए हम इसे कलर करेंगे क्या? नहीं। वैसे ही यहाँ पर हमें 9 दिए गए हैं। 7 + 2 कितने होते हैं? 9। क्या करेंगे हम इसे? कलर करेंगे। 5 + 4 कितने होते हैं? 9। इसे भी हम क्या करेंगे? कलर करेंगे। 4 + 3 कितने होते हैं? 7। 9 आए क्या? नहीं, इसलिए हम इसे कलर नहीं करेंगे। 6 + 9 कितने, 6 + 3 कितने हुए? 9। इसलिए हम इसे भी क्या करेंगे? कलर करेंगे। 2 + 5 कितने हुए? 7। इसलिए हम इसे कलर करेंगे क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर मैंने क्रॉस किया है वहाँ पर कलर नहीं करना और जहाँ पर मैंने टिक किया है वहाँ पर आपको कलर करना है, ठीक है। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, एड द नंबर्स गिवन ऑन अ बटरफ्लाई एंड जॉइन इट विद द करेक्ट फ्लावर। मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमें फ्लावर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर भी हमें फ्लावर दिया गया था, लेकिन उस फ्लावर के बीच में हमें नंबर दिया गया है और आजू बाजू में जो है एडिशन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें फ्लावर दिए गए हैं और बटरफ्लाई दिए गए हैं और बटरफ्लाई के क्या है, बटरफ्लाई के यहाँ पर हमें एडिशन दी गई है। तो कौन सी बटरफ्लाई की एडिशन कौन से फ्लावर को जाती है वो हमें जॉइन करना है। जैसे कि यहाँ पर है 7 + 2 कितने होते हैं? 9। यहाँ पर जॉइंट है ना, वैसे ही बताइए 5 + 1 कितने हुए? 6। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे जॉइंट करेंगे। 4 + 3 कितने हुए? 7। हम इसे ऐसे जॉइंट करेंगे। उसके बाद 7 + 0 कितने आते हैं? 7। इसे भी हम इसे जॉइंट करेंगे। 6 + 2 कितने हुए? 8। इसे हम इसे जॉइंट करेंगे। 3 + 2 कहाँ पर है हमारे? 5 यहाँ पर, तो ऐसे हम इसे जॉइंट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो है वो ये सब समझ में आया होगा। तो आपको ये सब अपने CWHW क्या क्या पढ़ा हमने आज, एडिशन ऑफ ज़ीरो, ये रीड एंड सॉल्व, और ये तो आपको ये जो सब है अपने CWHW में राइट डाउन करना है और इसे लर्न करना है। थैंक यू।